हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन के बारे में। तो अगर आपको लॉकडाउन में आपके राज्य में जाना है, मीन्स अगर आपको अन्य राज्यों से उत्तराखंड में जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो। उसके लिए जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया, तो उस वेबसाइट पर जाके जो है आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपके लैपटॉप या मोबाइल जो भी आपके पास डिवाइस रहेगा उससे कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो है आपको ब्राउज़र में जाना है। तो जैसे आप ब्राउज़र पर जाते हो, तो यहाँ पर जो है एक वेबसाइट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वेबसाइट पे जाके आपको एंटर करना है। तो जैसे कि आप अभी सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है जाके उत्तराखंड गवर्नमेंट आपको जो है आपके राज्य में फिर से लाने का प्रयास कर सकती है। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो आप एक बार पढ़ के लीजिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। देन दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो है आपको जो है उत्तराखंड आने के लिए फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। यहाँ पे जो एक तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो है एक डिस्क्लेमर, जो कि ट्रैवल इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। जो भी आप ट्रैवल करोगे वो जो है गवर्नमेंट के डिसीजन होने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। डो नॉट यूज़ द कंट्री कोड वाइल एंटरिंग मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर डालोगे तब जो है आपको कंट्री कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, रजिस्ट्रेशन बाय सेल्फ और लोकल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अगर आप खुद करो तो सेल्फ करना है, अगर आपको कोई लोकल मीन्स अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहा है तो यहाँ पे लोकल कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना। ओके, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे तो आपको ये वाला क्लिक करना है, अदरवाइज आई हैव सिम्टम्स ऑफ कोरोना। अगर कुछ भी सिम्टम्स रहे तो जो है आपको नीचे वाले लाइन पे क्लिक करना है। तो अभी जो है हम फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है कैटेगरी। कैटेगरी जो है कैटेगरी में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टूरिस्ट, माइग्रेंट वर्कर्स, अदर प्रोफेशनल और अदर्स। जो भी आपका कैटेगरी रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको जो है आपका यहाँ पे फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद क्या आपका एज है वो यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन जो आता है आपको आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे वो सही से डालिए, क्योंकि जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा ये आपके मोबाइल नंबर पे ही होगा। देन जो सिक्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे जो आपको अदर आईडी कार्ड डालना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी रहेगा यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स है जो कि ये बताता है कि आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा आधार कार्ड के थ्रू होगा, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। देन आपको जो है नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया स्टेटस इन आरोग्य सेतु ऐप। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप ये फॉर्म भरोगे उससे पहले जो आपको आपके मोबाइल में जाके आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। उस उधर जाके आपको देखना है कि आपका क्या स्टेटस है, ग्रीन कलर है अदर कलर। तो ये होने के बाद यहाँ पे जो अभी आपको जो है प्रेजेंट लोकेशन, जो कि आप अभी कौन से राज्य में हैं, उस राज्य का लोकेशन पूरा एड्रेस जो है यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ पे जो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में आप हो, उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ पे डालेंगे। देन आपका जो भी सिटी मीन्स जिस शहर में आप रह रहे हो वो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको इस वाले कॉलम में डालना है कि आपके साथ कितने लोग जो है फैमिली में है और कितने लोग आने चाहते हैं फिर से वापस उत्तराखंड। देन आपको यहाँ पे जो है मोड ऑफ ट्रैवल सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ओन व्हीकल रहेगा तो ओन व्हीकल, अदरवाइज बाय बस आप आ रहे तो बाय बस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। देन आपको जो है ये होने के बाद आपको उत्तराखंड में कौन से एड्रेस पर जाना है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर रहेंगे उत्तराखंड में, मीन्स आपका जो उत्तराखंड का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, देन आपको तहसील सिलेक्ट करना है, आपका विलेज और आपका वार्ड का जो भी नाम रहेगा यहाँ पे डालना है, और आपका पूरा पता घर का यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, तो ये सब फिल होने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जो पूछा जाता है कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड, जो भी आपके गांव में या उत्तराखंड में जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन मीन्स जो भी रिलेटिव है उनका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी आपके रिलेटिव का मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो आपको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना है, यहाँ पे जो है आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट करके आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसके बाद सेकेंड वाले डिक्लेरेशन में ये बताया गया है कि आप अवेयर हो इस बात से कि आप जैसे अदर स्टेट से ट्रैवल करके उत्तराखंड में आओगे तो आपको जो है 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर पुट किया वो अगर गलत निकला तो आपको जो है इस एपिडेमिक के तहत जो भी एक्ट रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके तहत जो आपको सजा हो सकती है। और उसके बाद जो आखिरी वाला जो डिक्लेरेशन है वो ये पूछ रहा है कि आप जो है एप्लीकेशन जो कर रहे हैं वो जो है कंटेनमेंट जोन से नहीं है, मीन्स अगर आप कंटेनमेंट जोन से रहोगे तो
तो यहाँ पे जो है आपको टिक नहीं करना है। द एप्लीकेंट इज नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन इन हैज़ हर सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे अगर आप नहीं रहोगे तो जो है आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद जो आप सबमिट करोगे देन आपको जो आपके मोबाइल पे OTP आएगा और जो भी आपका फॉर्म रहेगा वो फिलअप हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास जो है आपका फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की ओर से जो है आपको आगे की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, इंस्ट्रक्शन रहेगी कि आपको कैसे लाया जाएगा, क्या होगा, तो वो जो है गवर्नमेंट आपको आपके मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड कर देगी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो है अदर स्टेट से जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं वो जो है आ सके आराम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।